बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 11,300 पर 2% की करेक्शन के साथ, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6294 पर है 2.5% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में सुबह के मुकाबले आज कुछ हल्की, शाम के कारोबारी सत्र में कुछ एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। तो अब ग्वार में आगे जाके कैसा रुझान रहेगा, ग्वार में खरीदारी करके चलना सही रहेगा, बिकवाली करके या होल्ड करके, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे ग्वार के ऊपर बात करना चाहूंगा। आपके जो टारगेट्स थे ग्वार को लेकर, आपने बता दिया था कि ग्वार 11,000 के भी ऊपर देखने को मिल सकता है। हमने आज सुबह के कारोबारी सत्र में ग्वार गम को 11,500 के ऊपर कारोबार करता हुआ देखा। अब देख रहे हैं कि 11,200 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, यहां से अब ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा और क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, जहां तक ग्वार गम नवंबर वायदा का सवाल है, तो वहां पर हमने 12,000 के करीब से भी लेवल देख लिए हैं, और नियर मंथ जो एक्सपायरी की तरफ है वहां पर हमने, जैसे आपने बताया, 11,400 के ऊपर के लेवल्स भी देखे थे। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 या 3 सेशन में हमें ये प्रॉफिट बुकिंग जारी रहते हुए दिखेगी। तो जहां पर नवंबर वायदा जो है हमको पॉसिबल है कि एक बार 11,200 से 11,000 तक भी फिसलता हुआ दिखे, तो शॉर्ट टर्म में मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल 10,000 से 9,500 के बीच जो एक पोजिशनल बायस था वो फिलहाल पिछले 2 हफ्तों से हमने लगातार तेजी का रुख देखा है, तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूलने की पॉसिबिलिटी बन रही है। जी, तो यानी कि ग्वार में एक अच्छी तेजी के बाद अब थोड़ी एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रुझान, ओवरऑल सेंटीमेंट ग्वार में अभी भी पॉजिटिव ही है, तेजी की तरफ है।